ओके तो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का सबसे पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और आई वुड से कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। जूनियर क्लासेस में 9th में 10th में वी ऑल हैव स्टडीज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जो शायद किसी ने इतना डीप स्टडी किया भी नहीं होगा। बट एज नाउ वी हैव ऑप्टेड फॉर अ सब्जेक्ट वी नीड कि एक्चुअली वी शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। Here each term consists of a different meaning जो हम सोचते हैं उससे थोड़ा सा अलग ही आता है। And please make sure कि हम terms में ही लिखें answer because economics is all about terminology। आप terms में नहीं लिखते हैं and then it will be like कि we wrote such big answers but we couldn't get the marks। That is all because you people have not written some correct terminology or you people have not been there for terms। सो इट्स बेटर कि टर्म्स के साथ चले। हर टर्म का अपना एक मीनिंग है, हर टर्म अपना एक नया कंसिक्वेंस लेकर आ रहा है। सो बी रेडी फॉर दैट। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सी जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं सबसे पहला ही क्वेश्चन इफ इट अराइजेज व्हाट इज इकोनॉमिक्स, सब एक रटी हुई डेफिनेशन उठा लेते हैं कि इकोनॉमिक्स पैसे कमाना इज इकोनॉमिक्स, पैसे खर्च करना इज इकोनॉमिक्स। नो, नॉट एट ऑल। इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली रिलेटेड विद मनी। ये बहुत ही गलत होता है। चलिए अगर हम थोड़ा सा ध्यान करें तो 10th में हमने लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो या फिर इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट पढ़ा। ये सब तो पैसों से रिलेटेड नहीं होता है, बट वाई देन इट इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स, हमने सबने पढ़ी है ये चीज़ें। So basically economics is all about resource management। अब यहाँ पे the word resource जो arise हो रहा है that resource contains a vast meaning। Students please make sure resource अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसे manage करना ही all about economics। Resource हमें सबको पता है कि resource मतलब anything that satisfy human wants। Fine, ह्यूमन वॉन्ट्स तो कुछ भी हो सकती है। तो हमें यहाँ पे बोला जा रहा है रिसोर्सेज दैट मीन्स एनीथिंग विच इज सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स। इट कैन बी अ पीपल, इट कैन बी इनकम, इट कैन बी योर व्हीकल्स, इट कैन बी एनीथिंग योर लिविंग, इट कैन बी योर मतलब कहते हैं ना वो जो गाय एनिमल हस्बेंड्री और वट एवर आपने जो पेट्स पाले, एनीथिंग दैट इज सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स इज अ रिसोर्स। एंड टू मैनेज दैट रिसोर्स एंड टू एलोकेट, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है कि इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टम और इज अ स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वी आर एक्चुअली टेलिंग यू कि राइट चीज को राइट जगह पर प्लेस करना, जिसकी जहाँ जरूरत हो जस्ट टू प्लेस इट देयर। ऐसा नहीं कि जिसकी जहाँ जरूरत नहीं है आप उसे वहां पर इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज नॉट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट पुटिंग द राइट थिंग एंड द नीडी थिंग एट द राइट प्लेस, दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो उसको हमने थोड़ी टर्म्स में डाल दिया कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड इफ आई से व्हाट आर रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज इज एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि इकोनॉमिक्स इज जस्ट रिलेटेड विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। दैट प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग व्हिच इज अफेक्टिंग अ नेशन, व्हिच इज अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स लाइफ कैन बी इकोनॉमिक्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज अराइजिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स को हमने डिवाइड कर दिया है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। On the basis of circumstances, on the basis of the judgments, on the basis of the situation, economics को divide किया है as positive economics and normative economics। चलिए अब बात करते हैं positive economics में कुछ questions हैं जो arise होते हैं। What was, what is and what would be, that means अगर हम बहुत ही सीधी भाषा में बात करें तो positive economics is dealing it like to find a problem। जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है इज कंप्लीटली रिलेटेड विद फाइंडिंग आउट द थिंग्स, फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। दिस व्हाट एक्चुअली इज शोइंग कि हम उस प्रॉब्लम को ढूंढ रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द प्रॉब्लम ताकि वो मिले एंड आफ्टर दैट वी शुड गो फॉर द ओपिनियन, वी शुड गो फॉर द रिजल्ट। तो यहाँ पर पॉजिटिव इकोनॉमिक
saying, it deals with what was, what is, and what would be under some circumstances. कुछ सिचुएशंस आ रही हैं, उन सिचुएशंस में प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो रही है, उन सिचुएशंस में आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, दैट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यू राइज हो रही है इज अ प्रॉब्लम. यस, क्यों? हमने कंपेयर किया आज से इतने टाइम पहले, वी वर ऑन दैट स्टेज, आज हम इस स्टेज पे हैं. हम एक छोटा सा और रियल लाइफ एग्जांपल अभी लेते हैं, तो हम कोरोना का ले लेते हैं. जब हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, वी वर इन द हंड्रेड्स, लेकिन जब हम आज की बात करें, वी आर इन लैक्स. प्रॉब्लम आई है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, लेकिन उस प्रॉब्लम को डील आउट कैसे करेंगे, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, उस प्रॉब्लम के ओपिनियंस या जजमेंट क्या होंगे, दैट विल बी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. तो बहुत नॉर्मल भाषा में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है, मीन्स इट डील्स विद फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम बेसिकली, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज दैट विच डील्स विद फाइंडिंग आउट द ओपिनियंस, फाइंडिंग आउट द जजमेंट्स एंड फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशंस. यहाँ पे इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी मेक रियल डिस्क्रिप्शंस. व्हाट डज दिस रियल डिस्क्रिप्शन सेज? रियल डिस्क्रिप्शन सेज बिकॉज़ वी आर फाइंडिंग द फैक्ट्स. कोई भी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड विदाउट फैक्ट इज नथिंग. वी शुड हैव अ क्लियर सोर्स बिहाइंड इट, एंड दैट क्लियर सोर्स मेक्स इट अ रियल डिस्क्रिप्शन. नॉन सजेस्टिव इन नेचर, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद गिविंग द सजेशन. Why? Because it is only dealing with finding out the problem. What was, what is, and what would be, these three questions जिसके ऊपर positive economics is standing. तो positive economics not at all related with giving the suggestion, giving the opinion, giving the judgment, giving any solution. It is only related with finding out the fact, finding out the figure, finding out the problem. India has crossed 5 lakhs patients in corona. That is a positive economics. हमने description निकाला on the basis of the fact. But वो क्यों हुआ है, उसको ठीक करा कैसे जाएगा, that will be the normative one. Students, make it clear. Just actually हमको terms में answer लिखना होता है, तो हम ये terms use करते हैं. But अगर हम बहुत normal और सीधी भाषा में बात करें, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज रिलेटेड विथ फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज रिलेटेड विथ फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन. क्वेश्चन एंड आंसर चल रहे हैं यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो. बट हम थोड़ा सा टर्म्स में जाते हैं, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद थ्री क्वेश्चंस, व्हाट वाज, व्हाट इज, एंड व्हाट वुड बी अंडर सम सर्कमस्टेंसेस. It makes real description. Yes, why it makes real description? Because it is based on facts and figures. This is non-suggestive in nature. Why this is non-suggestive in nature? Because it deals in only finding out the problem. It deals in only finding out the facts and figures. Wahi, now we are jumping towards the normative economics. Now what does normative economics say? What ought to be, what we should be doing in the future to solve the problem, that is the only thing. Now, what ought to be is the biggest question we are dealing in normative economics. Hame karna kya chahiye, ye to pata chal gaya problem hai, ab uske liye karenge kya, that is going to be our normative economics. To iska jo dealing question hota hai, wo hota hai what ought to be. Of course hamare paas aa gayi hai cheeze, dealing question aa gaya hai. It only deals with solving technique. हमने बात करी, India is at the second position in terms of population. Overpopulated country है, is a positive economics. Proper and measurable steps should be taken to reduce the population. Steps आ गई हैं, techniques आ गई हैं, that means that is a normative economics. India is facing poverty. Again, a question is arising. This is the present scenario. India is facing poverty. Is a positive economics. Proper steps should be taken. Proper measures should be taken to check the poverty. Is normative economics. दोनों में बहुत कीन अंतर समझ में आ रहा है कि ये हमें प्रॉब्लम बता रही है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें सॉल्यूशन बता रही है. तो बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि फिर इनको अलग अलग क्यों रखा है. बिकॉज
we are not at all dealing with a single person. We are dealing with a nation. We have n number of people. We have n number of problem. तो हमने उसको divide कर दिया. A department should be of positive economics and a department should be of normative economics. This is how we are going to work. इन में भी n number of departments अलग आएंगे. कोई analysis करने वाला होगा, कोई interpret करने वाला होगा. वो हम सब बाद में बहुत अच्छे से discuss करेंगे. So on the basis of the judgments, on the basis of the situation, economics को divide किया है positive economics and normative economics में. Positive economics जो deal करता है with three question, what is, what was and what would be. क्या था, क्या है and क्या होगा आगे future में जाके. It only deal with real description or I would say it makes real description because completely based on facts and figures. खोज खोज के निकाला जाता है facts and figures. जो हमारे survey भी even होते हैं वो सब positive में जा रहा होता है. तो दिस इज नॉन सजेस्टिव एज इनका पूरा काम होता है टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम. बेसिकली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद अ सिंगल क्वेश्चन व्हाट ऑट टू बी और व्हाट शुड बी. सॉल्विंग टेक्निक्स के साथ डील करते हैं ये रियल नॉर्म्स, क्योंकि जो प्रॉब्लम आई है उसके रियल नॉर्म्स या उसके एम जो होंगे वो ये बनाएंगे. एंड यस दिस इज सजेस्टिव इन नेचर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एग्जांपल, इनके एग्जांपल इफ आई से India is populated country. Okay. यहां पे मैं एक example add करती हूं. Proper steps should be taken to reduce population. एक जगह वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम. ऑफकोर्स हमें से बोल दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट, हमने सर्वे लिया, काउंट किया, भाई पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा जा रहा है. ये प्रॉब्लम निकाल के दे दी कि इंडिया इज अ पॉपुलेटेड कंट्री, बट उसे कैसे कम करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. स्टूडेंट्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, we are moving on towards the economic problems. Basically economics में हम सिर्फ problems ही पढ़ रहे होते हैं and how to solve these problems. लेकिन economic problem says basically a problem of choice, problem of selection of alternates. Just for an example, हम खुद market गए, we have n number of options, we get confused. We should have this one or we should have that one. That is also looking good. That is also suiting me. That is also looking good. So this is what a problem of selection, problem of choice. The same is with the nation. The same is with the country. It is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources. Basically what they want to say कि we have limited resources. Resources हमारे पास ऐसे नहीं है कि they are going to be forever, not at all. It depends कि हम कौन सा resource use कर रहे हैं. So we want our satisfaction and that satisfaction matters a lot. वही तो economics है, हम satisfy होने चाहिए. We should have a proper resource. तो this is a problem of choice कि हम उन limited resources में से कौन सा resource use कर रहे हैं and we are getting satisfied. This is economic problem. The economic problem is the problem of choice which involves satisfaction of this unlimited wants out of the limited resources. तीन economic problems हैं basically. As we know कि क्यों arise हो रही है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं arises due to. See, arises due to the very first is wants are unlimited as we are humans. आज कुछ लिया, अब तो I am done. थोड़े दिनों बाद कोई और चीज अच्छी लग गई, अब ये वाला नहीं चाहिए, वो चीज चाहिए. We had a car, ली, थोड़े टाइम बाद वो बुरी लगने लगी, नया मॉडल आ गया, नए फीचर्स के साथ आ गया, नाउ आई वांट दिस. फोन लिया, एक साल चला लिया, बहुत बड़ी बात हो गई एक साल चलाना. आफ्टर दैट कोई नया फोन आया, उसमें नए फीचर्स आए, अब वो चाहिए. बिकॉज दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी विच सेज कि वी नेवर सेटिस्फाई. दैट इज वाई वी आर ह्यूमन. अगर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो द अर्थ विल बी लाइक स्टे.
स्टेशनरी वन, वो मूव करना छोड़ दे, उसके काम खत्म हो गए, बिकॉज एवरीवन इज सेटिस्फाइड. वी आर नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज व्हाई वी आर वर्किंग कंटिन्यूअसली, एवरीवन इज वर्किंग कंटिन्यूअसली टू मेक देयर सेटिस्फैक्शन डन. सो द वेरी फर्स्ट इज कि आवर वांट्स आर अनलिमिटेड. When we are done with our one goal, हमने अपना एक goal complete कर लिया, तो एक नया खड़ा हो जाता है. Never get satisfied. अगर हमने satisfaction attain ही कर लिया, तो that means कि हम तो वो priest और saints आ गए हैं हिमालय पे जाकर, we'll be like surviving there because we are done with everything. So we never get satisfied just because कि हमारी जो wants हैं वो unlimited हैं. खत्म ही नहीं होती. आज सोएंगे रात में तो कुछ ही कल के लिए नया सोच के कल ही करना है. कल जब सोएंगे तो परसों के लिए एक नया हम ऑलरेडी एक टारगेट सेट कर चुके होंगे. दिस इज ऑल बिकॉज कि हम सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे हैं. कभी भी कोई चीज़ हमें खुश कर देती है उतनी देर के लिए, बट आफ्टरवर्ड्स अब हमें कुछ और चाहिए. दिस इज द रीजन जब हमें कुछ और चाहिए तो हम फिर एक नया काम करना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज कि आवर वांट्स आर अनलिमिटेड. अच्छा, टाइम के साथ हमारी वॉन्ट्स कभी कम नहीं होती. कभी भी ऐसा नहीं होता कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द स्पैन ऑफ टाइम वी आर रिड्यूसिंग आवर वॉन्ट्स, नॉट एट ऑल. दे गेट मल्टीप्लाई बेसिकली, दे गेट मल्टीप्लाई, दे ग्रो फास्टर एंड दे मेक अस टू डू वर्क इवन मोर. This is wants are unlimited. Okay. आगे आते हैं. Wants तो unlimited है, लेकिन resources limited है. Sorry, I wrote it here as unlimited. Wants are unlimited, but the resources that we are using वो तो limited है. It depends कि हम किस resource की बात कर रहे हैं. We have renewable and non-renewable. We have conventional and non-conventional. We are using sunlight, of course, वो तो हमें कभी खत्म नहीं होगी. But now if I talk about fuels, limited है भाई, कम use करिए और जितनी ज़रूरत है उतना ही use करिए. पहले it was like to have a vehicle, कभी कभार घर परिवार के साथ family के साथ कहीं जाएंगे तो we'll be having the one. But now it is like थोड़ी सी दूरी तक भी जाना है तो we are using the vehicle. रिसोर्सेज लिमिटेड है. वाई डोंट यू पीपल अंडरस्टैंड कि आज अगर वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो वो फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी उन चीज़ों का? बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग इट आउट. आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आने वाली जनरेशन को वो चीज़ें कभी भी नहीं मिलेंगी. फोकस किया जाता है कि प्लीज यूज ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑफ ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, डोंट गो फॉर दी नॉन रिन्यूएबल वंस, गो फॉर दी रिन्यूएबल वंस. नहीं समझ में आता हमको, हमें वो चीज़ें इतनी इजीली समझ में नहीं आती हैं. जब वो एकदम ख़त्म होने पर कगार पे आ जाते तब हमें लगते कि यस हमने कुछ तो गलत कर दिया. बेसिकली अगर आप फ्रॉम द स्टार्टिंग उस चीज़ को समझ के चल रहे होते, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एज वी आर अ कंट्री जो पेट्रोलियम हम नहीं फॉर्म आउट करते. वी टेक इट फ्रॉम द अनदर नेशंस लाइक गल्फ कंट्रीज से हम लेते हैं. हमारी वॉन्ट्स दिन पर दिन बढ़ रही है. पहले एक घर में एक गाड़ी होना वो सफिशियंट. आज जितने लोग हैं उतनी गाड़ियां हैं और जितने लोग हैं उनके भी मनपसंद की एक एक दो दो और गाड़ी खड़ी हुई है. क्या उस गाड़ी में फ्यूल नहीं डलेगा? क्या उस गाड़ी की ज़रूरतें नहीं होंगी? दैट फ्यूल तो हमारे पास नहीं है ना. वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? वी हैव टू टेक इट फ्रॉम अनदर नेशन. वो हम यहाँ पे बोरो करते हैं या हम खरीदते हैं या वट एवर, फिर हमें महंगा ही बेचना पड़ता है. एंड देन पीपल आर लाइक कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं. तो भाई आप अपनी ज़रूरतें भी तो कम करिए. आप अपनी ज़रूरतें कम करेंगे, पेट्रोल के रेट्स अपने आप डाउन होंगे. क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज थोड़े सफिशियंट नेचर में आ जाएंगे. Every time it is being said कि if it is not in use, उसे मत waste करिए, तो we are not getting the thing. Please try to understand, resources बनने में बहुत time लगता है, resources develop होने में बहुत time लगता है, लेकिन हमारी wants उसके पहले develop हो चुकी होती हैं, बन चुकी होती हैं. This is the reason कि problem आ जाती है, खड़ी हो जाती है. We were facing global warming, that was all because of कि हम रेफ्रिजरेटर्स यूज कर रहे हैं. भाई एक घर में एक रेफ्रिजरेटर होना वॉज मोर देन इनफ. अब तो पर्सनल रूम में रेफ्रिजरेटर चाहिए, कार में छोटा सा फ्रिज चाहिए रखा हुआ. व्हाई यू वांट दैट? बिकॉज पीपल
आर लाइक उन्हें उनके वॉन्ट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. वो रिसोर्सेज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं बट दे विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइजिंग विद द वॉन्ट्स. तो जब आप रिसोर्सेज की लिमिटेशन को समझेंगे नहीं, यू आर नॉट गेटिंग द लिमिटेशन ऑफ द रिसोर्स, दिस प्रॉब्लम ऑफकोर्स विल बी देयर. तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, होना नहीं चाहिए. अवेलेबिलिटी से दैट इज अवेलेबल इन अबंडेंस, और उसकी शॉर्टेज है या वो है नहीं, तो उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी रखनी चाहिए. इफ आई से रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड इट गिव्स राइज टू स्कार्सिटी इज अ ट्रू फैक्ट. स्कार्सिटी इज लाइक शॉर्टेज हो रही है, आप जरूरत से ज्यादा यूज किए जा रहे. मैं एक और आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ कि जब दिस कोरोना पीरियड स्टार्टेड तो गवर्नमेंट ने, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने, सब ने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज जितना आपको जरूरी हो आप उतना ही खरीदिए, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स इट. इस वक्त खाने की जरूरत सबको है, सिर्फ एक आप नहीं. सैनिटाइजर्स लोगों ने ऐसे खरीदे हैं कि भर लिया स्टॉक. भाई प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप तो बच जाएंगे सैनिटाइज करके, लेकिन किसी और इंसान को भी तो जरूरत है, वो तो इन्फेक्टेड है, वही आकर अगर आपको टच कर लेगा तो फिर क्या होगा. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड इट कि जितनी उस चीज की जरूरत आपके लिए है वही चीज की जरूरत दूसरे के लिए भी है. एंड उन्होंने सैनिटाइजर्स ऐसे स्टॉक किए कि उसकी स्कार्सिटी हो गई. स्कार्सिटी हुई, वो हायर प्राइस पे बिकना शुरू हो गया. 100 रुपए का सैनिटाइजर 300 में भी खरीदा है लोगों ने. क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था बट उसकी जरूरत थी. लेकिन अगर उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से लेकर चला होता कि एज आई वॉन्टेड दूसरे को भी उतनी जरूरत थी, हम उसको शेयर कर लेते. प्रोडक्शन तो हो रहा था ना सैनिटाइजर्स का, पूरे पूरे कोरोना पीरियड में उसका प्रोडक्शन हुआ है. लेकिन जो शॉर्टेज सडनली आया कि हमें तो भाई 3 महीने के लिए सैनिटाइजर्स खरीद के रखने हैं, इट क्रिएटेड स्कार्सिटी. उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? महंगा बिका लोगों को, क्योंकि वो जरूरत थी. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उन्हें सस्टेनेबली यूज करिए. सस्टेनेबल सेज आप भी करिए, दूसरों को भी यूज करने दीजिए, एंड उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी थोड़ा सा छोड़ दीजिए. ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो यहां से आए से कि ये स्कार्सिटी को जन्म दे देता है. रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसकी वजह से स्कार्सिटी अराइज होती है. शॉर्टेज ऑफ गुड्स, शॉर्टेज होने लगती है गुड्स की, और गुड्स की शॉर्टेज होने का मतलब है हायर प्राइस पे वो चीज अब बिकेगी, बिकॉज इट इज इन ग्रेट डिमांड. डिमांड ज्यादा है तो वो हायर प्राइस पे बिकना स्टार्ट हो जाएगी. ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज सेज जिस रिसोर्स की जहां जरूरत है, द रिसोर्स दैट इज बीइंग नीडेड टू बी यूज्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, प्लीज मेक इट यूज एट दैट प्लेस ओनली. उसे हर जगह पर यूज मत करिए. फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत टाइम पहले व्हेन द वुडन वर्क स्टार्टेड, वुड वॉज एक्चुअली यूज फॉर फर्नीचर. ठीक है, समझ में आ रही चीजें. वुड वॉज अगेन यूज फॉर मेकिंग डोर्स एंड सम हाउस होल्ड थिंग्स. अगेन वी गॉट द थिंग. वुड वॉज यूज फॉर मेकिंग द एंटीक यूटेंसिल्स, यूनिक वन. अगेन वी गॉट इट. वुड्स आर नाउ यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव्स. वुड्स आर यूज फॉर मेकिंग टॉयज. व्हाई यू आर यूजिंग वुड्स फॉर मेकिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स? वी आर डिस्ट्रॉइंग द प्लांट्स. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? जिस चीज की जरूरत जहां पर है, मेक दैट पर्टिकुलर थिंग टू बी यूज ओवर देयर. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इफ वी आर नॉट डूइंग इट इन अ करेक्ट वे, तो हम इसको खड़ा कर रहे हैं अपने पास, स्कार्सिटी को लाके शॉर्टेज कर रहे हैं वहां पे. नाउ अगेन हमें पता है कि वी नो कि पेट्रोल और डीजल इज ओनली यूज फॉर द व्हीकल्स चलाने के लिए. जनरेटर में भी यूज कर रहे हैं, मशीनरी ऑयल में भी यूज कर रहे हैं, पता नहीं और वो कुछ जलाना है तो वी आर यूजिंग द पेट्रोल. इंसेक्टिसाइड्स बनने हैं तो उसके लिए हम उसका यूज कर रहे हैं. घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जहां पर वो कहते हैं वो कहीं कुछ दीमक लग जाए, वी आर यूजिंग इट इन अ दैट मैनर. व्हाई यू आर यूजिंग इट इन ऑल द मैनर्स, व्हाई यू आर यूजिंग इट फॉर ईच एंड एवरी पर्पस, एवरीथिंग इज नॉट
मेड फॉर ईच एंड एवरी पर्पस, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? पेट्रोल को हम वेस्ट कर रहे हैं एंड जिस चीज के लिए हमें जरूरत है फिर लाइन लगाकर खड़े कि अब इसमें भी डाल दो, आप एक गाड़ी दो गाड़ी, समझ में आता है, बट यूज इट इन द करेक्ट मैनर. ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, अ सिंगल पर्सन, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, अ सिंगल पर्सन जिससे आप मैनेजमेंट का काम भी करा रहे हो, जिससे आप अकेडमिक्स का काम भी करा रहे हो, उसी को आप बोल रहे हो ये चीज डिलीवर भी कर देना इफ यू आर हैविंग फ्री टाइम. घर जा रहे हो तो आप मुझे इसकी रिपोर्ट भी दे दो. नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. सी, इकोनॉमी प्रॉब्लम्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, दोनों में थोड़ा अंतर है. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी डील्स विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, whereas economic problems deals with choice of selection. हमने देखा था वहाँ पे कि choice of selection मतलब हम क्या choose कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से तीन तीन problems आ रही थी. alternative use की वजह से हो रहा था, scarcity generate हो रही थी, and wants are unlimited, resources are limited. वहीं अब हम जब बात करते हैं central problems of economy की, central problems of economy says how we are allocating means how we are placing the resources, that means the right resource for the right place in such a manner that we meet our needs, hum apni society ki needs ko puri kar pa rahe hain. It deals with basic three question, kisi bhi nation mein kisi bhi country mein make sure ki ye teen cheeze sabse pehle deal ki jati hai, uske baad koi aur kaam start hota hai. And what are these three problems? What to produce, how to produce and for whom to produce. These three problems are the biggest question for any organization, any nation or an individual. What to produce, how to produce and for whom to produce. Chale, we are starting with what to produce. What to produce, the question itself is indicating ki we are actually selecting which good or which services should be offered ki hamari society satisfy ho jaye. That means here we are selecting the goods and services jo logon ko zarurat hai, logon ki zarurat ke anusar, according to their needs, according to their demand, according to their wants, we need to select the goods and services. Uski quantity kya honi chahiye, uski quality kaisi honi chahiye. We should go for the capital goods or we should go for the working goods. We should be available with the goods जो seasonal होते हैं, और we should be available with the goods जो all time available होते हैं. We should be available with the goods which is for the kids, or we should be available for the goods which are for the senior citizens. That means here we are selecting which goods and services should be offered to gain maximum satisfaction, maximum utility. Utility here is saying want satisfying power. Utility का मतलब होता है want satisfying power. Please कहीं लिख लीजिए, मैं बार बार आपको ये चीज बोल रही हूँ. Utility का मतलब होता है want satisfying power. तो what to produce basically is dealing with selection of goods and services. कैसे goods होने चाहिए, क्या services आपको offer करनी है, कैसा काम करना है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, ताकि सोसाइटी शुड बी इन अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी मस्ट बी सेटिस्फाइड हियर. अगले सेंट्रल प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस सेज बेसिकली वी आर यूजिंग द टेक्निक. स्टूडेंट्स, टेक्निक दो होती है, द वन इज एलआईटी, दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक. Another one is CIT, that is capital intensive technique. Labor intensive technique basically उन जगहों पे, उन countries या उन organizations में use करते हैं जहाँ labor ज़्यादा है, that means जहाँ manpower ज़्यादा है और जहाँ पर machine values कम है. या हम ये कह सकते हैं जहाँ काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, and we have some problem regarding the funds, we have some problem regarding the finance, हम वहाँ पर लोगों से वो काम कराते हैं as compared to the machines. तो हम यहाँ पर नाम लेते थे इंडिया. इंडिया इज बेसिकली लेबर इंटेंसिव वन. फिर हम बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की. तो ये टेक्निक उन जगहों पे, उन कंट्रीज, उन नेशंस या उन ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होती है वेयर वी हैव मोर फाइनेंशियल फंड्स, वेयर वी हैव मोर कैपिटल एज कंपेयर टू द लेबर. अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना, दे यूज रोबोटिक्स. व्हाई? बिकॉज दे हैव मोर फाइनेंशियल टर्म्स.
दे हैव मोर फंडिंग्स, वहाँ पर लोग कम काम करते हैं, वहाँ मशीन ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए हम वहाँ पर की वहाँ जो टेक्निक यूज होती है उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. सो दिस इज बेसिकली अ टेक्निक हाउ वी आर मेकिंग आर गुड सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, जिसकी वजह से जो हमारी कॉस्टिंग है, मतलब जो हमारा पार्ट है जो उस चीज़ को बनाने का, वो थोड़ा कम हमारी कॉस्टिंग हो, वो कम लगे और हमें प्रॉफिट ज़्यादा कम. सो हाउ टू प्रोड्यूस इज बेसिकली सिलेक्शन ऑफ टेक्निक. टू टेक्निक्स आर देयर, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक वेयर लेबर इज मोर, कैपिटल इज लेस. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वेयर कैपिटल इज मोर, लेबर इज लेस. एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट वी आर गोइंग टू प्रोडक्ट, गो फॉर द प्रोडक्शन. नाउ द थर्ड पार्ट एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस. सी फॉर होम टू प्रोड्यूस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि पीपल आर बेसिकली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कस्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेडिशंस, मोरओवर आई वुड से ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेस. इन्फेंट्स हैं, देन टीनेजर्स हैं, देन यूथ है, देन सीनियर सिटीजंस हैं, मीडियोकर्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द जनरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल कैटेगराइज किया जाता है लोगों को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम बेसिकली. सी इफ समवन वांट्स टू ओपन अ मॉल, जाहिर है वो ऐसी जगह पर ओपन होगा वेयर पीपल कैन अफोर्ड बाइंग फ्रॉम द मॉल्स. ऐसी जगह पर थोड़ी ना होगा वेयर पीपल आर जस्ट गोइंग फॉर द विंडो शॉपिंग, बिकॉज द पीपल विद अ हाई इनकम ग्रुप विल बी अफोर्डेबल एंड द पीपल विद अ लेस इनकम ग्रुप सिर्फ वहाँ पर देखने जाएंगे, उससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं करेंगे. सो इफ यू वॉन्ट टू मेक द प्रोडक्ट जो अवेलेबल हो रहे हैं मार्केट में, कि जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनको उसी जगह पर अलोकेट करना चाहिए वेयर पीपल विद हाई इनकम ग्रुप आर एग्जिस्टिंग. और जो चीज़ जिनकी प्राइस कम है, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, शुड बी अवेलेबल इन द प्लेस वेयर पीपल विद द लेस इनकम ग्रुप आर प्रेजेंट. सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाना है, नॉर्मल लोगों के लिए बनाना है, इनकम देख के बनाना है. अच्छा, अगर कहीं वुलन क्लॉथ्स का कुछ काम हो रहा है, तो वुलन क्लॉथ्स तो ऑल टाइम नीडेड सिर्फ हमारे नॉर्दर्न साइड पर होते हैं, हमारे आसाम से याचिन और जम्मू कश्मीर मनाली इस जगहों पर होते हैं. वहीं जब हम नॉन वुलन पर जाते हैं तो बाकी पूरे इंडिया में होते हैं. सो वी आर कैटेगराइजिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, कस्टम ट्रेडिशन, ज्योग्राफिकल थिंग्स, उसके बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, इनकम के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, और तब जाके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. सो स्टूडेंट, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज बेसिकली रिसोर्सेज को हम कैसे एलोकेट कर रहे हैं, सो दैट वी आर गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. प्लीज एक छोटा सा रिकैप लेते हैं. तीन प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. तीन बेसिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. What to produce is selection of goods and services, जिसमें quantity, quality हर चीज़ देखी जाती है, क्या produce करना है basically. How to produce deals with the technique, it should be a labor intensive technique or it should be a capital intensive technique. हमें मशीन से काम कराना है या हमें लोगों से काम कराना है. Labor intensive technique will be only useful in the place where labor is more and capital is less. मतलब जहाँ पर लोग ज़्यादा है काम करने के लिए, बट वी डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स कि हम बहुत सारी मशीन्स अवेलेबल करा सकें. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज बीइंग यूज्ड ओवर देयर वेयर कैपिटल इज मोर देन सफिशिएंट प्रेजेंट इन अ मोर देन सफिशिएंट अमाउंट एंड लेबर इज लेस, एंड देयर वी ऑप्ट फॉर द मशीनरी प्रोडक्ट और देयर वी ऑप्ट फॉर द रोबोटिक्स एंड ऑल, बिकॉज मशीन्स आर डूइंग वर्क एज कम्पेयर टू द ह्यूमंस. ह्यूमंस कम कर दिए जाते हैं, मशीन ज़्यादा काम करती है. एंड दिस टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्टिंग, क्योंकि हम जितना लेस कॉस्ट करेंगे उतना हाई प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे. फॉर होम टू प्रोड्यूस ए सिलेक्शन ऑफ पीपल, किन लोगों के लिए बनाना है. सी इफ अ पर्सन हैज टू प्रोड्यूस सम गुड्स फॉर द किड्स, तो वहाँ पे सिलेक्ट किया उसने लोग किड्स, किड्स गार्मेंट्स हैं, किड्स शूज हैं, स्पोर्ट्स वेयर हैं और व्हाटएवर उनकी टॉयज हैं. तो वी आर एक्चुअली सिलेक्टिंग द पीपल, वी आर सिलेक्टिंग द ग्रुप ऑफ अ पीपल. इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ एज, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल थिंग्स, इट कैन बी ऑन द बेसिस
सोर्सेज ऑफ इनकम. इनकम प्लेज वाइटल रोल. जहां ज्यादा इनकम होगी वहां बहुत अच्छे प्रोडक्ट सेल आउट होंगे, जहां इनकम कम होगी वहां कम लेवल पर प्रोडक्ट सेल आउट होंगे. सो दिस वॉज योर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी.